डीएपी खाद यूरिया की नहीं आने दी जाएगी किसानों को कमी, गुना कृषि अनुभाग अधिकारी। कृषि अधिकारी ने नई नैनो तकनीक के विषय में बताया। जहां 4 कट्टे खाद के लगते हैं नई तकनीक से, वहां 2 शीशी काफी होंगी। गुना मंडी प्रांगण में यूरिया खाद लेने वालों की लगी लंबी लंबी कतार। दोस्तों, तय गुना से राहुल चौरसिया की एक रिपोर्ट। सर, ये अभी जो वितरण चल रहा है खाद यूरिया का, ये कितने बजे से सुबह शुरू हो जाता है? सुबह 8 बजे हम चालू कर देते हैं और शाम को 4:30-5 तक चलता रहता है। तो ये किस किस अधिकारी की देखरेख में रहता है? ये मैं यहाँ का प्रभारी हूँ। क्या नाम है सर आपका? मैं अनुभागीय अधिकारी संजीव शर्मा। जी जी। तो साथ में हमारे तहसीलदार शहरी श्री सिद्धार्थ शर्मा जी भी हैं और हमारे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भी साथ में रहते हैं, एनएसआरजी जी, और हमारी पूरी टीम जी जी साथ में रहती है। और जैसे मैं 1-2 घंटे के लिए चला जाता हूँ, मेरे साथ ही सहायक संचालक भदौरिया जी भी आ जाते हैं। जी जी। पूरा सब लोग मिलके और पुलिस की टीम भी साथ में ले जा रहे हैं, अच्छा वितरण करा रहे हैं। सर, अभी एक अब जो बता रहे हैं ये जो बोतल आई है इफको कंपनी की, इससे क्या सहूलियत मिलेगी किसान को? इससे बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। एक तो ये लाने ले जाने में किसान की किल्लत मिट जाएगी। ये नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ यूरिया है, भविष्य में यही यूरिया चलेगा। ये किसान को 60 ml 15 लीटर के पानी में डालना पड़ता है। ये 2 बीघा खेत के लिए हो जाती है। ये 2 कट्टों का काम करती है, मात्र 240 रुपये इसकी कीमत। अभी जो मिलेगा, उन्होंने तो अभी बहुत बड़ा नेचुरल फार्मिंग पे अभी गुजरात में एक बहुत बड़ा मेला लगाया था, उसमें लोगों को बताया भी था, बड़े बड़े कृषि के विशेषज्ञ बुलाए थे। तो 0 बजट फार्मिंग पर चर्चा हुई थी कि जैसे जंगल में अपने आप पौधा कैसे खड़ा हो जाता, उसको कोई खाद नहीं देता, न पानी देता, न कोई पोषक तत्व देता, तो हमारा पौधा नेचुरल कैसे हो सकता है? तो नेचुरल फार्मिंग में जैसे अपन चाहें तो एक जीवामृत बनता है, उसमें 10 लीटर ताज़ा गाय का गोबर, 10 लीटर ताज़ा गौमूत्र और 2.5 किलो बेसन और सड़ा हुआ 2-2.5 किलो गुड़ और बड़े या नीम के पेड़ के नीचे की 2 किलो मिट्टी, ये लेकर के 25-30 लीटर पानी में घोल के ड्रम में रख लें और 125 लीटर पानी में पूरे को मिला के छिड़काव करें। आपको यूरिया, डीएपी, किसी भी प्रकार के रासायनिक खादों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं दावा करता हूँ। कौन से गांव से हो? तो कब से लगे हो आप लोग लाइन में? सुबह 4 बजे से। क्या नाम है आपका? कब से लग रहे हो आप लोग लाइन में? 8 बजे से।